जुहार, मैं रिंकी बारी रुशिका टीवी चैनल जमशेदपुर की तरफ से और मैं यहाँ आई हुई हूँ गोपाल मैदान में स्थित भव्य मेला संवाद में। और यहाँ मैं आदिवासी के रहन सहन, गहनों और वेशभूषा के बारे में चिंतन करना चाहूँगी और मैं बात करना चाहूँगी। आइए, मेघालय के कुछ डांसर्स आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें यहाँ आके कैसा लग रहा है। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और अलग अलग तरह के ट्राइब्स को देखने को मिल रहा है और उसकी क्या बोलते हैं उसकी ड्रेस एंड देयर कल्चरल यू कैन यूज इंग्लिश आल्सो। अच्छा, ओके, आप अपने कॉस्ट्यूम्स के बारे में कुछ बताना चाहिएगा, मतलब ये ड्रेस और ये माला। दिस इज कॉल्ड रुकतुक एंड दिस इज सिलतंग एंड दिस इज सिंकी एंड दिस कॉल्ड संगम। और अपने डांस नेम बताना चाहिएगा जो आप डांस हाँ वन कलर और आपकी ग्रुप का नेम और आपको आपका नेक्स्ट प्रोग्राम कब है, मतलब यहाँ कब होगा? नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट ईयर। ओके, और यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि पब्लिक आपका परफॉर्मेंस को पसंद कर रही है या आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, और आप लोग कितने जन आए हुए हैं यहाँ, कितने दिन से आए हुए हैं और जमशेदपुर में कहाँ कहाँ घूम चुके हैं? हम लोग घूमने आए हुए हैं और 25 लोग आ चुके हैं। आइए, मैं आपको उड़ीसा के कुछ ग्रुप डांस से बात करवाना चाहूँगी। हाँ। आपके ग्रुप का नाम क्या है? डोंगरिया ग्रुप। और आपके डांस फॉर्म का मतलब कौन सा डांस आप कर रहे हैं? डांगड़ी डांगड़ा नाच। और आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। और आप लोग जो हैं, आप लोग कितने दिन से इस प्रोग्राम के लिए मेहनत कर रहे हैं? 5 दिन, मतलब तैयारी 5 ही दिन हुआ। हाँ। और आपके सारे ग्रुप डांसर्स का ये जो पियर्सिंग है, ये नेचुरली है या फिर डांस के लिए किया गया? नहीं नहीं, नेचुरली। और ये ड्रेस के बारे में कुछ बताना चाहिएगा? कपड़ा गंदा। आइए, हम इनके द्वारा ओढ़े गए साल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। इस साल के बारे में मतलब क्या बताना चाहेंगे? इवर मैं उड़ीसा पे आयो, इवर मैं डोंगरा लोग पर बेसी नहीं तेरह से नहीं किसा होने रही मैं तेरह की ना बस ये कितने नहीं तीन यम मना की तो ना वो बोल रहे हैं उसका माँ और आगे वो बना रहे थे। ये भी थोड़ा थोड़ा सीख लिए हैं। ये डोंगरी अलग के लोग बनाते हैं उसको उनका बहुत उसको गिफ्ट करते हैं और ये सब लड़के लोग को बनाते हैं। आपका नाम क्या है? सुमित नाम। आप कहाँ से हैं? मैं रांची का हूँ। और आप जो ये स्टॉल लगाएं इनके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? ये सारा ट्राइबल ज्वेलरी है, इसको ट्राइबल लोग ने बनाया है, इंक्लूडिंग संथाल एंड जुआंग। तो ये सारे मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ये सारे ब्रेसलेट्स हैं, ईयर रिंग्स, एंकलेट्स और ऊपर आप देख सकते हैं नेक पीस है। और आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, ये आदिवासी सम्मेलन है और मुझे यहाँ पे सहभागी होने का मौका मिला। और यहाँ की पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी ज्वेलरीज को पसंद कर रही है, उसके बारे में आपको बताएं? हाँ, पब्लिक सपोर्ट कर रही है और ख़रीद रही है और फीडबैक भी अच्छा मिला है। और आप इसके बारे में कुछ बता रहे हैं? ये सारा ट्राइबल टेक्सटाइल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है डोंगरिया कॉन शॉल, जिसे डोंगरिया कॉन ट्राइब में बनाए थे। आप इन्हें देख सकते हैं मैदान में घूमते हुए, वो ट्राइब के लोग इस तरह के ये शॉल्स बनाते हैं, बहुत ही सुंदर और ये काफ़ी सेलेबल आइटम है स्पेशली एक्सपोर्ट में। ये लंजिया सोरा पेंटिंग आप देख सकते हैं, जैसे ये डोकरा ट्राइब का और ये लंजिया सोरा पेंटिंग, इसे लंजिया सोरा ट्राइब वो बनाते हैं। उनका सम जेनेटिक रिलेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सोरा पेंटिंग। मैं रिंकी बारी, कैमरामैन प्रत्युष राज, रुशिका टीवी के साथ।